या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। सवाल इनका ये है क्या ये वे क्वेश्चन रिगार्डिंग द परमिसिबिलिटी ऑफ वियरिंग गोल्ड रिस्ट वॉच आई एम इंटरेस्टिंग बाई ए वॉच विद वॉच दैट हैज़ ए 18 कैरेट गोल्ड केस वाइल द डायल केस एंड स्ट्रिप are made for other material. The only part of the watch is made for gold. सोने की घड़ी के ताल्लुक से इनका सवाल है कि ये सोने की घड़ी ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं और वजाहत ये करना चाहते हैं कि जो सोने की घड़ी होती है 18 कैरेट गोल्ड का सिर्फ केस होता है और पूरी घड़ी सोने की नहीं होती बल्कि उसके जो फीते होते हैं या पट्टे या स्ट्रैप जो भी आप बोलें वो जो है वो दूसरे मटेरियल के हो सकते हैं, लेदर के भी हो सकते हैं, अदर मटेरियल के भी हो सकते हैं। और कुछ केस में ऐसा होता है कि डायल भी गोल्ड का नहीं होता बल्कि अंदर प्लेट गोल्ड की होती है, बाकी गोल्ड का पॉलिश होता है और उसको भी सोने की घड़ी शुमार करते हैं और ये गोल्ड भी 18 कैरेट का होता है। तो इस तरह की सोने की घड़ी की जिसका सिर्फ डायल गोल्ड का हो, पट्टे वगैरह लेदर के हों तो पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तो सोने की घड़ी चाहे वो मुकम्मल सोने की घड़ी हो या फिर उसके डायल ही सोने का हो, इसको पहनना जायज़ नहीं है। यानी मर्द के लिए ये चांदी सोने की वॉच पहनना नाजायज़ है तो इसलिए आप ये नहीं पहन सकते। और औरत जो है वो पहन सकती है सोने चांदी के अगर वॉच पहनना चाहे तो, मगर ये कि वो भी टाइम उसमें ना देखे, सिर्फ घड़ी पहन ले जेवर के तौर पे, जीनत के तौर पे उसको पहन सकती है, उसके अंदर उसको भी टाइम देखने की इजाज़त नहीं है। बाकी मर्द तो सोने चांदी की नहीं पहने, अगरचे उसमें सोने के कुछ हिस्से हों कुछ ना हो, अगर फीते लेदर के हों तब भी ना पहने सोने की, कि मर्द को सोना चांदी दोनों सिवाय अंगूठी के, ये नाजायज़ और गुनाह है तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान। विजिट करें wazifa.sbswarsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएँ ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।